आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो साइज ऑफ एटम का रेशियो पूछा है विद साइज ऑफ न्यूक्लियस के साथ। ओके, सो एटम की साइज कितनी होती है? साइज ऑफ एटम इज नियरली इक्वल्स टू द 10^-10 मीटर, राइट। सो जो एटम होता है उस एटम की साइज जो होती है वो नियरली इक्वल्स टू द 10^-10 मीटर होती है। और जो न्यूक्लियस की साइज होती है, सो न्यूक्लियस इज द सेंटर टू दैट एटम, राइट। सो न्यूक्लियस इज एट सेंटर टू दैट एटम, राइट। सो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और उसकी जो साइज होती है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10^-15 मीटर रहती है। ओके, सो अब इसका रेशियो निकालना है साइज ऑफ एटम का। सो कौन सा रेशियो निकालना है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो पूछा है। ओके, सो साइज ऑफ एटम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस करना पड़ेगा। सो एटम की जो साइज है वो कितनी है? 10^-10, सो इट विल बी इक्वल्स टू 10^-10 डिवाइडेड बाय 10^-15। सो इट विल बी इक्वल्स टू, आंसर क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल्स टू 1/10^-5। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज इक्वल्स टू 10^5। अगर न्यूमरेटर पे आएगा ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, उसकी जो पावर है वो, इसलिए हमें साइज मिलेगा इट इज अबाउट 10^5। ओके, सो साइज ऑफ एटम, रेशियो ऑफ साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10^5। दिस इज द आंसर ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।